द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर भोपाल। हमारी सोसाइटी लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए बनी है, जिसमें हम मुट्ठी भर युवा बोल सकते हैं कि केवल 20-22 युवा के आसपास हम लोग इस क्षेत्र में जो मदद कर रहे हैं उसकी जानकारी इसीलिए दे रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। फोटो खिंचाना का मीडिया में देना, अन्य प्लेटफॉर्म पर उसको डालना, उसका भी मकसद यही रहता है कि लोग जागरूक हों। जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो भी करें, उससे क्या होता है कि मदद की चेन आगे बढ़ती है और लोगों की ज़्यादा मदद होती है। तो द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी का सबसे मुख्य जो काम है वो ऐसी माताएं बहनें जिनके पति नहीं हैं, जिनका बेटा नहीं है, जिनके घर में कमाने का कोई सोर्स नहीं है बड़ा, उन माताओं को हमारे यहाँ से अभी हाल ही फिलहाल 60 के आसपास माताएं हैं जिनको हमारे यहाँ से एक एटीएम कार्ड हर महीने हमारा एक साथी उनके घर पे जाके दे के आता है 3 तारीख को। उनके बाद 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को वो माता हमारे संबंधित, जैसे अभी हमारा जैन किराना स्टोर है एफ वार्ड में, वहाँ वो माताएं जाती है, वो एटीएम कार्ड वहाँ पे देती हैं, उनको वहाँ से राशन मिल जाता है। कोई फ़ोटो खिंचाना नहीं, कोई कुछ नहीं। 4 दिन में वो माताएं अपनी क्षमता अनुसार जब भी वो जानना चाहें चली जाती हैं। अगर वो नहीं जा पाती तो किसी को भी भेज देती हैं, जो भी वहाँ वो कार्ड देगा उसको वहाँ से राशन मिल जाएगा, वो कार्ड वापस हमारे पास आ जाता है और हर महीने हमारा साथी जाके दोबारा वो कार्ड दे देता है। इसी के साथ ऐसी बहनें जिनकी बच्चियाँ हैं, जिनके पिता नहीं हैं, उन बहनों की बच्चियों की स्कूल की आधी फीस द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी भरता है। इसी के साथ ऐसे बुजुर्ग जो ज़रूरतमंद हैं, मजबूर हैं, जिनके पास कोई कमाने का सोर्स नहीं है, ऐसे बुजुर्ग माताएं, पुरुष, भाई, उनके दवाइयों का खर्चा सालों से द लायन सिटी परिवार उठाता रहता है। उनकी दवाइयां तब तक बंद नहीं होती जब तक वो ठीक नहीं हो जाते या फिर ईश्वर को प्यारे नहीं हो जाते हैं। कोशिश हमारी कि वो ठीक होएं, पर जैसी ईश्वर की इच्छा होती है। इसी के साथ जैसे अभी ठंड चल रही है तो ठंड में नए कपड़े, जैकेट्स और जोराब और टोपे हम कंबल नहीं बांटते हैं, क्योंकि वो सेवा बहुत अच्छे लोग कर रहे होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पैर भी ढकना चाहिए, सर भी ढकना चाहिए और जैकेट स्वेटर, जिससे कि पूरा शरीर ढका रहता है। इसी के साथ समय समय पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते रहते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनको कोई बीमारी है नहीं है। और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मेडिकल लाइन में हैं, उनके द्वारा उनको फ्री दवाइयाँ, फ्री चेकअप, और कई डॉक्टर्स हैं जो अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी निभाते हैं, उनसे निशुल्क उनको जांच होती है और अपनी क्षमता अनुसार उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए पढ़ाई की, उनको फ्री म्यूज़िक सिखाना, कराटे सिखाना, अलग अलग तरीके की आर्ट सिखाना, इस तरह तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे अपनी हॉबी निकालेगा, कैसे अपनी प्रतिभा निकालेगा। इसी के साथ स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना स्वच्छता के प्रति, हम लोग स्वच्छता अभियान में शरीक होकर खुद भी साफ सफाई करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। स्कूल में अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का निःशुल्क वितरण और सुबह कम से कम 1 श्लोक का उनको सुनाया जाना, इस तरह का अभियान लगातार जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश स्कूल एसोसिएशन भी हमारा सहभागी हुआ। इसी के साथ बहुत सारे संगठन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, राष्ट्रीय बजरंग दल। आप भी चाहें तो हमारे साथ इन सेवा कार्यों में जुड़ सकते हैं। अगर आपकी मन है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है और अपनी कंडीशंस पर अपने समय अनुसार, जरूरी नहीं हो कि आपको समय न हो और आप मदद के लिए आ जाएं, जब आपके पास समय हो, जरूरी नहीं कि आपको धन देना हो। आप श्रमदान करेंगे वो सबसे बड़ा होता है और जो धन देना चाहता है उसका भी स्वागत है। तो आप बिना बंधन, बिना किसी तकलीफ के द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से जुड़ना चाहते हैं तो हलालपुरा स्थित हमारे ऑफिस द लायन सिटी मैरिज गार्डन में आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।
हमें खुशी होगी, हमारे और साथी, हमारे और बहनें भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और लोगों की मदद में अग्रसर होंगे। याद रखिए कि आपको कोई बंधन बंदिश नहीं है कि समय देना है, पैसा देना है। आप अपनी क्षमता अनुसार जैसे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आके काम करें, आप वहाँ पर लाइन सिटी वेलफेयर सोसाइटी की अपनी टीम गठित करिए, आप अध्यक्ष बनिए और लोगों के सेवा कार्य को और आगे बढ़ाने में सहभागी बनिए, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जीवन में दो तरह की चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, पहला जब आप पैदा हुए, दूसरा जब आपने अपने जीवन को, लक्ष्य को पहचाना और उस पर अग्रसर हुए। तो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए, लोगों की मदद में आगे आइए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद्गीता। जय हिंद। जय भारत माता की।